जीटीएल इंफ्रा में लंबी तेजी आई और जिधर से तेजी चालू हुई थी उसी पर आके वो खड़ा हो चुका है। 1 रुपए 70 पैसे पर से उसने अपसाइड दिया और वो देख सकते हो आप 1 रुपए 65 पैसे से, और उसमें तेजी आई थी 1 रुपए 10 पैसे से तेजी आई थी, और 1 रुपए 65 पैसे से उसने ना एक बाउंस बैक दिया था। आप देख सकते हो 1 रुपए 90 पैसे से उसने इस तरह का मूव दिया था, अपने मूव को चेंज कर दिया था। खैर, इसको हटाकर अगर हम इसके नेगेटिव्स की बात करें, देखिए एक अपडेट आई है एनएससी की तरफ से और कंपनी की तरफ से, तो वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस करेंगे बिकॉज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना पड़ेगा। बाद में जाके वो न्यूज़ तो हम अपडेट तो हम पढ़ ही लेंगे। अगर हम बात करें पी रेशियो की, तो पी रेशियो नेगेटिव में है और दूसरी चीज के एएसएम जस्ट 4 में है। आप खाली नेगेटिव इसके गिनते जाओ, सबसे पहला नेगेटिव के इसका पी रेशियो नेगेटिव में है, सेकेंडली एएसएम जस्ट 4 में है, तीसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका देखिए मार्केट कैप 2100 करोड़ का है। वहीं अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो यहाँ पर 5000 करोड़ की निकल के आ गया। चलो कैश को हटा दे तो फिर हमें पता चलता है कि कैश को कट कर ले अगर डेट से, तो फिर हमें दिखता है ईपीएस -1% है, -1.01 है, जो कंपनी के लिए बहुत ही जरा भी अच्छा नहीं है। तो ये तीसरी पॉइंट हो गई। चौथा नेगेटिव पॉइंट ये है कि प्रमोटर होल्डिंग कम है, लेकिन इसको हमने पहले डिस्कस किया है तो इसको फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। हमने पहले डिस्कस किया था लेकिन हमने इसको इतना फोकस नहीं दिया था और इस पर इतना एग्जैजरेशन नहीं दिया था, तो हम फिर से इस पर देखेंगे कि सेल्स ग्रोथ इसमें बहुत ही ज्यादा कम है ओवर द पीरियड ऑफ अराउंड 5 ईयर्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर हम पढ़ ले ओके ईयर ऑन ईयर ही है, तो 5% की डाउनवर्ड मूवमेंट है और रिटर्न ऑन इक्विटी तो बहुत ही कम है, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंट भी -21% है, जो इसकी पूरी बात हो गई। लेकिन देखिए एक चीज़ है कि स्टॉक डिविडेंड स्प्लिट और बोनस तो दे सकता है अच्छा खासा, क्योंकि देखिए अभी भी इसका फेस वैल्यू 10 ही है, जो एक मतलब अच्छी बात है कि ये कभी भी डिविडेंड बोनस और स्प्लिट अगर आगे जाके अगर 10 या फिर 20 या फिर 50 रुपये के आसपास पहुंच जाता है तब जाके दे सकता है, बट अभी फिलहाल हमें ना 10 रुपये या फिर 5 रुपये के टारगेट्स भी अचीव नहीं होते हुए, मतलब एक रखना नहीं है हमें टारगेट रखना है। अब देख सकते हो अभी स्टॉक की प्राइस अराउंड 3 रुपये तक गई थी, तो हमें पहले तो 3 रुपये 60 पैसे तक गई थी, तो हमें सबसे पहले टारगेट तो 3 रुपये 60 पैसे का ही लेके चलना है, फिर बाद में जो भी आपको अपना टारगेट सही लगे वो आप रखना। देखिए पी रेशियो नेगेटिव में इसके लिए यहाँ पर 0 बता रही है और थोड़ा सा नीचे है, लेकिन वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप देखो तो अपनी एफिल इंडिया से एकदम नीचे है। मतलब आप देखो अभी हमने एफिल इंडिया को कवर किया था और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है, तो उसको पढ़ लेना, क्या पता जीटीएल इंफ्रा से आप पैसा निकल के एफिल इंडिया में डाल दो, तो उसको भी आप कवर कर सकते हो ताकि आपका एक जनरली मतलब एक सोच बदल जाए कि क्या एफिल इंडिया, क्योंकि देखिए अगर आप जीटीएल लिमिटेड जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसके पीयर्स देखो तो उसके पीयर्स एफल इंडिया नहीं है, एचएफसीएल नहीं है, लेकिन जीटीएल इंफ्रा के पीयर एचएफसीएल और एफल इंडिया है, तो आप इसको कंपेयर करके चल सकते हो ताकि देखिए परफॉर्मेंस तो एप्पल इंडिया का ऑब्वियसली ज़्यादा ही रहेगा और आगे भी आने वाले समय में ज़्यादा ही रहने वाला है, थोड़ा सा प्राइस के मामले में ऊपर है, लेकिन अगर आपको और थोड़ा सा अच्छा स्टॉक चाहिए जिसके अंदर डेट नहीं है तो एचएफसीएल को कंसिडर कर सकते हो। मैंने कल उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताया था, मैंने बताया था आपको किस तरह से एचएफसीएल जीटीएल इंफ्रा से अच्छा है और जीटीएल इंफ्रा से क्या अपने पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री में सबसे अच्छा क्यों है, क्योंकि उसमें आगे ग्रोथ पोटेंशियल क्यों है। चलो अभी हम बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की, तो सेल्स ग्रोथ हैज़ बीन नेगेटिव सिंस लाइक दिस, द कर्व इज लाइक दिस इज ऑलवेज अ डेडलीस्ट कर्व, जो उल्टा स्पून का कर्व रहता है ना वो एकदम डेडलीस्ट कर्व रहता है, तो आप उसको भी एक बार समझ के चल सकते हो। बट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ तो इसके अंदर नहीं है और ऊपर से ये लो एंड लो का पैटर्न बना रहा है, तो ये लो एंड लो का पैटर्न भी एक डेडलीस्ट पैटर्न माना जाता है टेक्निकल इंडिकेटर्स में, तो इस प्रकार का पैटर्न हमें माना जाता है। लेकिन अभी देखिए अभी रिजल्ट आएगा, तो अगर ये इधर से देखिए अभी तक वो हुआ नहीं है, मतलब जिस प्रकार का हमें डेडलीस्ट पैटर्न फॉर्म होते हुए देखने मिलता है ना, मतलब अभी तक फॉर्म हुआ नहीं है क्योंकि वो अभी तक एक ही नीचे की तरफ मूव आई है। अगर हम देखें तो इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, इस प्रकार का पैटर्न होता है। अब ये इधर से तो W बना देगा अपने सपोर्ट को लेकर या फिर इधर से बाउंस बैक दे देगा, तो आपको उस पर अपनी नजर रखनी है कि या तो यहाँ से वो ऐसा W बना दे ऊपर चले जाए अभी रिजल्ट के टाइम पर, या फिर इधर से अभी जो है इधर से नीचे चले जाए, तो उसको हमें ध्यान में रखना होगा। सेकेंडली अगर हम बात करें, ये देखिए ये इन्होंने एक 1.9K का लॉस किया था और वहाँ पे 1.9K का फिर से लॉस किया, तो फिर एक ही लेवल पर आ गया है जो हमें आगे क्या हो सकता है वो खाली रिजल्ट ही बता सकता है। इसीलिए अगर आपको एंट्री लेनी है तो रिजल्ट का अपडेट में आई विल हाईली रिकमेंड यू टू वेट फॉर रिजल्ट, क्योंकि आप देखो तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी कुछ खास नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी नीचे ही है, तो उसको भी आप कंसिडर करके चल सकते हो। जो सबसे खराब चीज़ लगती है वो ये है कि होल्डिंग तो बहुत कम है ही, लेकिन उसमें प्रेस्ड होल्डिंग भी बहुत ज़्यादा है, जो मुझे सबसे ज़्यादा खराब चीज़ लगती है।
अब देखिए कंपनी के कौन गिनाना चाहूंगा तो फिर बहुत सारे हैं, बट मैं कंपनी की बुराई नहीं करना चाहता। अब देखिए बुराई नहीं करना चाहता मतलब जो भी चीज़ है वो मैं आपके सामने रखूंगा, बट एट अ वेरी जस्ट जजमेंटल व्यू। क्योंकि देखिए ये जो भी उसके अंदर लिमिटेशन है वो लिमिटेशन हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किए थे, तो उसको फिर से डिस्कस करके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और उल्टा आपका ही टाइम वेस्ट होगा। सो वी डोंट वॉन्ट कि आपका टाइम वेस्ट हो, तो उसके लिए आप एक बार लिमिटेशन पढ़ लेना। उसको छोड़ते हुए अगर हम थोड़ा सा और नीचे आए और इंटरेस्ट की बात करें, तो मुझे कंपनी का इंटरेस्ट जो है ना वो बढ़ोतरी होने देखने मिली है। मतलब कंपनी को इंटरेस्ट अभी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है जो ईयर ऑन ईयर से बढ़ गया है। 169 का इंटरेस्ट पहले पे करना पड़ रहा था और उसी के मुकाबले 10 करोड़ का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। देखिए कोई भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है मोस्टली 90% केसेस में वो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है ना एक मतलब डेट में रहेगी, लेकिन उसके अंदर इंटरेस्ट जब भी बढ़ना चालू होता है ना वही सबसे डेडलीस्ट थिंग रहती है, तो आप उसको भी कवर करके चल सकते हो। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो नेट सेल्स की बात करें तो सेल्स इन्होंने ठीक ठाक करके रखी है मार्च 2020 के क्वार्टर में, तो वो उसको छोड़ते हुए हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, लेकिन नेट प्रॉफिट में हमें नेगेटिव मोमेंट देखने मिलेगी जो कंपनी के लिए ज़रा भी अच्छी बात नहीं है। रिजर्व्स के अंदर इसके अंदर नेगेटिव है, तो आप बोरिंग्स को 7000 क्या नहीं पकड़ो आप 7700 प्लस 2700 पकड़ सकते हो, तो वो अराउंड 10000 के आसपास आता है। तो 10000 का पैसा इन्हें भरना है, तो उस पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। सारी नेगेटिव चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहिए जो पे करना बाकी है। पेएबल थिंग्स आर अराउंड 10K, तो 10000 करोड़ का इनके पास लोन कह सकते हो, वो एक इन जनरल पेएबल अमाउंट कह सकते हो, तो उसको आप कंसिडरेशन में ले सकते हो। प्रमोटर्स के अंदर कौन है? ग्लोबल होल्डिंग कॉरपोरेशन, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें जो है वो स्टेज फोर पे डिपेंड है, ASM स्टेज फोर पे डिपेंड है। अब स्टेज फोर पे आने के लिए 90 डेज का टाइम लगता है, अब 90 डेज खत्म होने वाले हैं, ऑलमोस्ट होने वाले हैं, तो वो जब भी हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी तो टाइम है तो आप उस पर अपनी नज़र बना के रख सकते हो। वैसे अगर हम NSE की बात करें तो NSE में इसके जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स है ना न्यूज़पेपर पब्लिकेशन हुआ था और उसके ऊपर हमें फाइनेंशियल रिजल्ट 2021 का अगस्त 10 में देखने मिला था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट चीज़ है वो कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस है और फाइनेंशियल्स अपडेट्स है। तो इन्होंने क्या बताया था कि शेयर होल्डर की मीट ये देखिए 28 सितंबर को शेयर होल्डर की मीट है, 6 सितंबर को इन्होंने ये डिस्कस किया था, वो भी हमने पहले डिस्कस कर लिया था लेकिन फिर से हम इसको लेके चलेंगे। 28 सितंबर अगर आपके पास शेयर है तो 28 सितंबर विल बी अ गोल्डन डे फॉर यू, बिकॉज कि AGM तो हमेशा हर एक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट ही रहता है, तो आप उसको ध्यान में रख सकते हो। बिकॉज देखिए AGM का अगर आपने कंसिडर नहीं किया मतलब अगर मतलब साल की एक बेसिक जो मीटिंग होती है AGM, अगर आप AGM को भी नज़रअंदाज कर रहे हो तो फिर आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना भूल जाओ, बिकॉज आप किसी पर भी ध्यान मत दो, लेकिन AGM पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर तो आपको मतलब सहना पड़ेगा लॉस। जनरली तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हर वीक अपने जो पोर्टफोलियो में शेयर्स है उसको एनालाइज करो, और हर हफ्ते आपके वॉच लिस्ट में जो भी शेयर्स है, अगर वॉच लिस्ट नहीं है तो बना उसको, और अगर शेयर्स है तो उसको हर हफ्ते उसका एनालिसिस करो और आप देखो कि किस प्रकार मुझे किस लेवल्स पर बाय करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए। न्यूज़पेपर पब्लिकेशन आप NSE की वेबसाइट पर आके पढ़ सकते हो, बाकी तो इसके अंदर BSE में भी न्यूज़पेपर पब्लिकेशन है और उसके नीचे हमें थोड़ा सा और थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे तो हमें दिखेगा कि न्यूज़पेपर पब्लिकेशन के बाद वही है कि वोटिंग 28 तारीख को 18th AGM होने वाला है, तो उस पर हमारी नजर होनी चाहिए। और इंटीमेशन ऑफ ई वोटिंग फैसिलिटी भी BSE की वेबसाइट पर दी हुई है, तो उसको आप आगे चेक कर सकते हो। PDF ओपन करेंगे तो ई वोटिंग का फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड हो दी जाएगी, और अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर क्वार्टर एंडेड उसको आप चेक कर सकते हो अगर आपने पिछली बार चेक नहीं किया था, और अगर नहीं चेक करना है तो हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, उसको भी आप चेक कर सकते हो। क्योंकि देखिए ये चीज़ें नहीं चेक करोगे तो फिर आपका लॉस तो डेफिनेटली होने ही वाला है। अगर हम थोड़ा सा स्टॉक की प्राइस के ऊपर नजर देना तो स्टॉक की प्राइस में भी हमें नेगेटिव मोमेंट देखने मिल रही है इन द वन डे फर्स्ट डे, और पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक लोअर सर्किट ही देखने मिला जो अपने पेरेंट कंपनी यानी GTL लिमिटेड के साथ साथ ही साथ साथ चल रहा है। अभी हमने देखा कि GTL लिमिटेड भी कितना तेजी से ऊपर गया था, वो उसने भी 2-3 के लेवल से ऊपर गया, 21-22 के लेवल्स तक गया, एंड देन उसके अंदर रिट्रेसमेंट है, 18 के लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है, 16 के लेवल्स पर,
और अगर हम बात करें GTL इंफ्रा, अब देखिए GTL इंफ्रा में जितनी अपर मूवमेंट आनी थी वो आ गई अभी इसके अंदर, मतलब जितनी लोअर मूवमेंट आनी थी वो आ गई अभी इसके अंदर, हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। अभी मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग आपको AGM का तो वेट करना ही चाहिए अगर आप फ्रेश एंट्री करने का सोच रहे हो। हाँ, भले ही आप एक शेयर ले रहे हो लेकिन आपको AGM का वेट करना होगा। AGM का वेट करो, 28 सितंबर का वेट करो, आपको AGM का परिणाम देखना पड़ेगा, फिर पिछले साल के परिणाम से इस परिणाम को मैच करना पड़ेगा रिजल्ट को, किस प्रकार उन्होंने अपनी सारी चीज़ें पेश की है, जो पिछले AGM में बोला था क्या वो इस AGM में इन्होंने पूरा करके हुए दिखाया है, क्या कुछ नए टारगेट्स आए हैं। सारी चीज़ों को चेक करने और एनालाइज करने के बाद ही हमें कुछ ना कुछ आगे कंक्लूजन निकालना है, और आगे कंक्लूजन निकालने के बाद हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। हज़ारों शेयर की नहीं लेनी है, मैंने हमेशा से कहा है कि अगर आप एंट्री ले रहे हो तो आप थोड़ा थोड़ा करके लो, मतलब अगर आपको 100 रुपये भी लगाने हैं ना तो आप पहले 10 रुपये लगाओ, 15 रुपये लगाओ, या फिर अपने हिसाब से लगाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके लगाओ। पूरे पूरे अपने कैपिटल को मतलब एंगेज करना सही नहीं है, क्योंकि हमने COVID-19 के टाइम पे देखा किस तरह से COVID-19 के टाइम पे जिसने सारे कैपिटल को स्टॉक मार्केट में लगाया था उसको गिरावट पे गिरावट का सामना करना पड़ रहा था। सो आई होप कि मैंने अपनी सारी चीज़ें क्लियर किया। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।